इयत्ता सहावी हिंदी सेमिस्टर सेकंडचा एकम दुसरा आपल्याला पाहायचा आहे, अनुठे इन्सान, त्याचा अभ्यास आपण पाहूया। अनुठे इन्सान या पाठाचे हिंदीच्या दुसऱ्या पाठाचे अभ्यासाचे प्रश्न उत्तर आपल्याला घ्यायचे आहेत। प्रश्न एक, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। त्याच्यात आपल्याला सात प्रश्न दिलेले आहेत। त्याच्यातला पहिला प्रश्न, नेपोलियन और उसकी बहन के स्वभाव में क्या अंतर था? उत्तर पा, नेपोलियन सच बोलने से डरता नहीं था, उसमें सच्चाई का सामना करने का साहस था, अपने कारण हुई दूसरे की हानि वह सहन नहीं कर सकता था। उसकी बहन का चरित्र इसके विपरीत था, वह डरपोक थी और सच्चाई का सामना नहीं कर सकती थी। वह झूठ बोलकर सच्चाई से बच निकलने में हो अपना भलाई मानती थी, उसे केवल अपने बचाव की चिंता थी, दूसरों के नुकसान की नहीं। इस प्रकार नेपोलियन और उसकी बहन के स्वभाव में बहुत अंतर था। प्रश्न क्रमांक दोन, आप नेपोलियन के जगह होते तो क्या करते? उत्तर पा, नेपोलियन का धक्का लगने से अमरुद बेचने जाने वाली लड़की के अमरुद कीचड़ में गिरकर खराब हो गए थे, अब वह उन्हें बेच नहीं सकती थी। उसे डर था कि अब वह अपनी माँ को क्या जवाब देगी। नेपोलियन को लगा कि उसके कारण उस गरीब लड़की की हानि हुई है, उसकी हानि को पूरा करना उसने अपना फर्ज समझा। उसने अपनी माँ को सच सच हकीकत बता दी और उस लड़के को माँ से पूरे पैसे दिलवाए। अगर नेपोलियन की जगह मैं होता तो मैं भी उसी की तरह उस गरीब लड़की का नुकसान न होने देता। प्रश्न तीसरा, आप अपने जेब खर्च का उपयोग किस प्रकार करते हैं? मुझे जेब खर्च के लिए प्रतिदिन 10 रुपये मिलते हैं, मैं सभी पैसे खर्च नहीं करता। हमारे स्कूल के उपहार गृह में चीज़ें किफ़ायती दरों पर मिलती है, इसलिए स्कूल में नाश्ता करने के बाद भी मेरे पास कुछ रुपए बच जाते हैं। इन्हें मैं अपने पास बचाकर रखता हूँ। कभी किसी सहपाठी को सहायता की आवश्यकता हो तो मैं इस बचत में से उसकी मदद करता हूँ। छोटी बहन की वर्षगांठ का उपहार भी मैं इसी बचत की रकम से खरीदता हूँ। माताजी और पिताजी के जन्मदिनों पर इसी बचत से मैं उनके लिए फूलों के हार जरूर लाता हूँ। इस प्रकार अपने जेब खर्च का मैं आवश्यकता के अनुसार उपयोग करता हूँ। प्रश्न क्रमांक चार, बापू के बारे में आप क्या जानते हैं? बापू मतलब गांधी बापू। बापू का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। लोग उन्हें महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी जी ने देश की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों से लंबी लड़ाई लड़ी। वे अनेक बार जेल गए, उन्होंने कई सत्याग्रह किए। आज़ादी की लड़ाई में जिस देश की जनता ने उनका पूरा साथ दिया, लोगों ने उन्हें राष्ट्रपिता का सम्मान दिया। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में बापू की हत्या हो गई। बापू ने हमें शांति, प्रेम और अहिंसा का संदेश दिया। उनकी समाधि राजघाट के नाम से प्रसिद्ध है। प्रश्न क्रमांक 5, बापू धन क्यों इकट्ठा कर रहे थे?
उत्तर है, उस समय देश में आज़ादी के लिए आंदोलन चल रहा था। बापू उसके नेता थे। आंदोलन के लिए धन की ज़रूरत पड़ती थी। बापू यह धन कहाँ से लाते, इसलिए वे सारे देश में घूम घूम कर समवाय करते थे और इन धन का इकट्ठा करते थे। प्रश्न क्रमांक 6, आपको कौमुदी का पात्र कैसा लगा और क्यों? कौमुदी चे पात्र का चांगलं वाटलं आणि का, त्याचं उत्तर पहा। मुझे कौमुदी का पात्र बहुत प्रेरक लगा। महिलाओं को गहनों के प्रति स्वाभाविक मोह होता है, फिर कौमुदी तो उसी अभी 16 साल की बालिका थी। उसके गहने बहुत कीमती थे, ऐसे गहने दोबारा नहीं बन सकते थे। फिर भी देश की आज़ादी के लिए उसने अपने गहनों का त्याग कर दिया। गांधी जी को अपने सभी गहने भेंट कर उसने साबित कर दिया कि देश प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इसलिए कौमुदी का पात्र हम सबके लिए बड़ा प्रेरणादायी या प्रेरणादायक है। प्रश्न क्रमांक 7, क्या आपने भी कभी अपने माता पिता के सामने गलती स्वीकार की है? उस घटना को अपने शब्दों में बताइए। या ठिकाणी आपल्या आई वडिलांसमोर आपण कधी चूक केलेली आहे आणि ती मानलेली आहे का, स्वीकारली का, त्याचं एक उदाहरण किंवा उत्तर पहा कशा स्वरूपाचं आहे। एक बार छुट्टी के दिन मैं अपनी सोसाइटी के मैदान में साथियों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। बल्लेबाजी करते समय मैंने गेंद को इतनी जोर से मारा कि एक मकान की खिड़की का कांच टूट गया। मकान के मालिक क्रोधित होकर बाहर आए और पूछा, मेरा कांच किसने तोड़ा? साथियों ने मेरा नाम लिया। उस सज्जन ने जाकर मेरे माता पिता से इसकी शिकायत की। मैंने अपनी गलती मान ली। वे सज्जन भी खुश हो गए और बोले, कोई बात नहीं बेटा, खेलो जरूर, पर इतना ध्यान रखो कि किसी का नुकसान न हो। अशा पद्धतीने अभ्यासाचा पहिला प्रश्न, त्याच्यात 7 प्रश्न दिलेले आहेत, त्यांची उत्तरं येतात। प्रश्न 2, संयुक्त वर्ण के बने दो दो शब्द लिखिए। संयुक्त वर्ण से बने दो दो शब्द लिखिए। पहला शब्द है द अधिक द बराबर ध। अभी यहाँ पर जो द दिया है, या ठिकाणी जो द दिलेला है तो अर्धा द है आणि त्याला ध जोडायचा आहे। द आणि ध जोडला की जोड शब्द तयार होतो ध ध, जसं युद्ध। मग त्याच्यावरून 2 शब्द बनवलेले आहेत, शुद्ध बुद्ध आणि कुद्ध। युद्ध पण येऊ शकतं, बुद्ध पहा या ठिकाणी शुद्ध दिलेला आहे तुम्हाला, परत 2 शब्द बनवायचे आहेत, बुद्ध आणि कुद्ध किंवा युद्ध। त्यानंतर 2 नंबर पहा, त अधिक त, या ठिकाणी त आहे, त अधिक त, त ची पण मात्रा मोडलेली आहे, पाया मोडलेला आहे, म्हणजे अर्धा त अधिक त, मग त ला त जोडला तर त तयार होतो जोड शब्द। त शब्द तयार झाला, त्यावरून 1 शब्द दिलेला आपल्याला वित्त। आपल्याला दुसरे 2 शब्द बनवायचे आहेत, तर त ला त जोडलेला म्हणजे त, कुत्ता छत्ता। त्यानंतर तिसरा शब्द आहे द अधिक म, द ची अर्धा मात्रा मोडलेली आहे, पाय मोडलेला आहे, म्हणजे त्या ठिकाणी द हा अर्धा आहे आणि म त्याच्यावरून 2 शब्द तयार होतो म, म म्हणजे द पण आणि म चा पण उच्चार होतो, मग त्याच्यावरून शब्द तयार झाला पद्म। पद्म या ठिकाणी पद्म असा शब्द तयार होतो। तसंच दुसरे शब्द आहेत सद्म, सद्म
कोणता तयार होईल? सदमा। तसच दुसरा शब्द तयार होईल छद्म। अशा पद्धतीने त्यानंतर चौथा प्रश्न आहे, चौथा द अधिक व म्हणजे द्व। द ची पण अर्धी मात्रा मोडलेली आहे, व जोडला तर द्व तयार होतो, मग त्यावरून शब्द तयार होतो विद्वान। विद्वान दिलेला आहे। आपल्याला दुसरे शब्द तयार करता येतील द्वार, द्वेष। तसंच या ठिकाणी तुम्हाला दिलेला आहे ह, पाचवा ह ची मात्रा मोडलेली आहे किंवा पाय मोडलेला म्हणतो आपण त्याला, म्हणजे त्याला अर्धा शब्द म्हणतो। तो अर्धा शब्द अर्धवर्ण आहे। ह अधिक म ह्य असा उच्चार तो तयार होतो, ह्य मग ब्रह्म। तसंच ब्रह्मांड, ब्राह्मण असे शब्द तयार होतात। त्याच्या पुढचा तिसरा प्रश्न आहे, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित विषय पर चर्चा कीजिए। या ठिकाणी तुम्हाला 3 विषय दिलेले आहेत। पहिला विषय आहे महात्मा गांधी और देशप्रेम, महात्मा गांधी और देशप्रेम। याच्यावरून आपल्याला काय करायची? चर्चा करायची। मग चर्चा कोणामध्ये? शिक्षक आणि विद्यार्थीमध्ये। तर या ठिकाणी एक नमुना दिलेला आहे, पहा शिक्षक काय सांगतात आणि विद्यार्थी काय बोलतात, लक्ष द्या। शिक्षक म्हणाले, शौनक हम गांधी जी को क्या कहकर उन्हें मान देते हैं। शौनक कहता है, गुरुजी हम गांधी जी को बापू और राष्ट्रपिता कहकर उन्हें मान देते थे, देते हैं, मान देते हैं। शिक्षक कहते हैं शाबाश, परंतु उन्हें राष्ट्रपिता क्यों कहते हैं? सुनील कहता है, गुरुजी गांधी जी ने अपना सारा जीवन देश की सेवा में अर्पित किया था। या ठिकाणी थोडं काही शब्द चुकलेले आहेत, ते लक्षात घ्यायचे। अर्पित किया था या तो अर्पित कर दिया। उन्होंने अपना अपने घर परिवार की चिंता नहीं की, केवल देश के चिंता की, देश की चिंता की। रमन कहता है, उन्होंने कोई सत्याग्रह किए, कई सत्याग्रह किए। या ठिकाणी कईच्या जागेवर कही, और ये कई बार जेल गए। उन्होंने कई बार उपवास किए, देश को अंग्रेजों के शासन से आजाद कराने के लिए उन्होंने कोई भी प्रयत्न बाकी नहीं रखा। उन्होंने निस्वार्थ भाव से देश की सेवा की। सचमुच बापू महान देश प्रेमी थे। अशा पद्धतीने महात्मा गांधी और देशप्रेम या विषयावर वाक्य लिहायचे आहेत किंवा चर्चा लिहून दाखवायची आहे, हां तिघांमध्ये। आता दुसरा प्रश्न, दुसरा असा आहे, इंसान अनूठा कब कहलाता है, इंसान अनूठा कब कहलाता है। शिक्षक कहते हैं, महेश क्या तुम बता सकते हो कि इंसान अनूठा कब कहता है कहलाता है। महेश कहता है, गुरुजी जब व्यक्ति कोई असाधारण काम करता है तब वह अनूठा इंसान कहलाता है, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल। शिक्षक कहते हैं, उन्होंने कौन सा अनूठा काम किया था। महेश कहता है, गुरुजी जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब यहाँ लगभग 600 रियासतें थी, इनमें से कुछ राजा बड़े हठी थे, वे अपनी रियासत छोड़ने को तैयार नहीं थे। सरदार पटेल ने बड़ी कुशलता से सभी राजाओं से उनकी रियासतें ली और एक स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण किया।
सभी लोग सरदार को लोहा मान गए, मतलब लोह पुरुष मान गए। उन्होंने कठिन काम किया, पूरे देश को एक साथ जोड़ने का पूरा प्रयास किया और अलग अलग रियासतों को एक साथ उन्होंने जोड़ने से पूरा राष्ट्र बना दिया, इसलिए उन्हें लोह पुरुष कहते हैं। रौनक गुरुजी इसीलिए तो सरदार पटेल को लोह पुरुष कहते हैं। शिक्षक कहते हैं, हाँ सरदार पटेल लोखंडी इरादों के आदमी थे, सचमुच वे अनूठे इंसान थे। लक्ष्य डालो, या पद्धति ने इंसान अनूठा कब कहलाता है, याचं उत्तर आपल्याला लिहायचं आहे। त्यानंतर तिसरा प्रश्न असा दिला आहे, तुम अपने देश की सेवा कैसे करोगे, तुम अपने देश की सेवा कैसे करोगे। शिक्षक कहते हैं विद्यार्थियों से, तुम लोग महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री आदि नेताओं की देश सेवा के बारे में जानते हो, लेकिन तुम खुद अपने देश की सेवा कैसे करोगे, म्हणजे आपण कशा पद्धतीने करणार, असा प्रश्न शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना दिलेला आहे। अंशुमान कहता आहे, गुरुजी मैं कृषि वैज्ञानिक बनूंगा, मैं खेती के नए नए तरीकों का आविष्कार कर तरह तरह के अनाजों, दालों और शाक सब्जियों की पैदावार बढ़ाऊंगा। प्रदीप कहता है, गुरुजी मैं इंजीनियर बनकर ऐसी तकनीक विकसित करूंगा कि जिससे रास्ते सुंदर और मजबूत मकान बने। मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा कि देश में कोई बेघर न रहे। कौशल कहता है, गुरुजी मैं देश में फैले भ्रष्टाचार को जड़ मूल से उखाड़ फेंकने का इरादा रखता हूँ। इसके लिए जो भी हो सकेगा मैं ईमानदारी से करूँगा। शिक्षक कहते हैं, मुझे खुशी है कि तुम लोग किसी न किसी तरह देश की सेवा करना चाहते हो। भविष्य में तुम्हारे हाथों में वो देश की बागडोर है होगी। मुझे विश्वास है कि तुम लोग सच्चे देश सेवक बनोगे। या पद्धतीने तिघ प्रश्नांची चर्चा शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये आपल्याला वर्गातली दाखवायची आहे आणि अशा पद्धतीने लिहिण्याचा प्रयत्न करायचा आहे। त्यानंतर चौथा प्रश्न बघा, प्रश्न क्रमांक 4, संज्ञा के नीचे संज्ञा से बनने वाले विशेषण शब्द दिए गए, उनका वाक्यों में प्रयोग करके लिखिए। या ठिकाणी तुम्हाला काही संज्ञा दिलेल्या आहेत, त्यांचा विशेषण शब्द आपण म्हणतो ते शब्द दिलेले आहेत। नीचे संज्ञा से बनने वाले विशेषण शब्द दिए गए हैं, उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए या तो लिखिए। धर्म धार्मिक, धर्म धार्मिक, मेरे दादाजी कोई न कोई धार्मिक कार्य करते रहते हैं। मेरे दादाजी कोई ना कोई धार्मिक कार्य करते रहते हैं, हे वाक्य आपल्याला बनवायचं आहे। रंग रंगीन, ही संज्ञा आपल्याला दिलेली आहे, त्याचे विशेषण दिलेले आहे रंगीन। रंग रंगीनवरून कोणतं वाक्य बनेल, आपण आपल्या पद्धतीने पण बनवू शकतो। या ठिकाणी दिलेलं आहे, शीला रंगीन कपडे पसंद करती है, म्हणजे रंगीन जो शब्द आहे विशेषण आहे, कपडे कसे आहेत तर रंगीत आहेत, म्हणून रंगीन हे विशेषण आहे, त्या विशेषणावरून वाक्य बनवायचं आहे। हां, थर्ड तिसरा लोभ लोभी, लोभी आदमी से कुछ पाने की आशा मत करो। चौथा है भारत और उसकी विशेषता दिखाने के लिए भारतीय, भारत भारतीय, भारतीय लोग अतिथि प्रिय होते हैं, भारतीय लोग अतिथि प्रिय होते हैं। पांचवा है चमक चमकीला, सोना चमकीला होता है। छठा शब्द है शक्ति शक्तिमान, उससे वाक्य बनाते हैं, वह सभी काम करने में शक्तिमान है। सातवां है गुण गुणवती,
सुरेखा गुणवती बालिका है। सुरेखा गुणवती बालिका है। आठवां है बल बलवान, उससे वाक्य बनाते हैं भीम बहुत बलवान थे। नौवां शब्द है दया दयावान, वहाँ से वाक्य बनाते हैं आप बड़े दयावान पुरुष हैं। और लास्ट दसवां शब्द है दर्शन दर्शनीय, उससे वाक्य बनाते हैं दक्षिण भारत में कई दर्शनीय स्थान हैं। दक्षिण भारत में कई दर्शनीय स्थान हैं। इस तरह से चौथा प्रश्न जो दिया है उससे हमें वाक्यों में प्रयोग करना है, जो विशेषण दिए गए हैं उनका उपयोग करके वाक्य बनाने हैं। इसके अलावा आप लोग अलग अलग भी वाक्य बना सकते हैं। ओके, प्रश्न क्रमांक 5, उदाहरण के अनुसार लिंग परिवर्तन कीजिए। उदाहरण देखिए, पुत्र पुत्री, पुत्र शब्द पुल्लिंग है और पुत्री स्त्रीलिंग शब्द है, तो हमें परिवर्तित करना है पुत्र के अलावा पुत्री। वैसे यहाँ पर उदाहरण दिए हैं 5 उदाहरण, देखो मेंढक मेंढकी, तरुण तरुणी, कुमार कुमारी, देव देवी, हिरण हिरणी, दूसरा उदाहरण है सांप सापिन, वैसे कुमार कुमार, नाग नागिन, कुमार का कुमारी आता है, कुमारी नहीं आता है। थर्ड बाघ बाघिन, धोबी धोबिन, ग्वाला ग्वालिन। तीसरा प्रकार है मोर मोरणी, शेर शेरणी, जादूगर जादूगरणी, मास्टर मास्टरणी और डॉक्टर डॉक्टरणी। पांचवा है ऊंट ऊंटनी, प्रश्न क्रमांक 6, प्रश्न 5 में जिन शब्दों के लिंग परिवर्तन किए हैं उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे हिरण हिरण दौड़ रहा है, मतलब पुल्लिंग शब्द जो दिए हैं उनसे वाक्य बनाने हैं और स्त्रीलिंग शब्द दिए हैं उनसे अलग वाक्य बनाने हैं। हिरण हिरण दौड़ रहा है, हिरणी हिरणी दौड़ रही है, समझ में आ रहा है। जहाँ पर पुल्लिंग है वहाँ पे पुल्लिंग शब्द लगाने हैं, जैसे रहा हिरण पुल्लिंग है तो हिरण दौड़ रहा, और हिरणी स्त्रीलिंग है तो दौड़ रही, यह परिवर्तन हमें दिखाना है। पुत्र पुत्र का उपयोग कैसे करेंगे, राहुल राजीव गांधी के पुत्र है, राहुल राजीव गांधी के पुत्र है, ये उदाहरण देखिए। उसके बाद पुत्री, इंदिरा जी जवाहरलाल जी की पुत्री थी, बराबर। अभी यहाँ पर हमें पहला दिया था मेढक, मेढक का हमें वाक्य परिवर्तन करना है या तो फिर वाक्य में प्रयोग करना है। मेढक टरटरा रहा है, मेढक टरटरा रहा है, मेढकी टरटरा रही है, समझ में आ रहा है। दोनों वाक्य समान है परंतु स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के वक्त हमें उनके जो उच्चार है वो अलग तरह से दिखाने हैं, रहा रही। तरुण तरुण कॉलेज जा रहा है, तरुणी कॉलेज जा रही है। उसके बाद थर्ड देखो, तीसरा कुमार, कुमार का उपयोग कैसे करना है, प्रयोग कैसे करना है। कुमार खेल रहा है, कुमारी खेल रही है। देव देव मुस्कुरा रहा है, देवी मुस्कुरा रही है। वाक्य वैसे ही है परंतु रहा यह पुल्लिंग के लिए और रही स्त्रीलिंग के लिए है।
कुमार घड़े बना रहा है, कुमारिन घड़े बना रही है। जो हमने देखा था कुमार और कुमार, तो वहाँ पे कुमारिन कर देने का है, ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द परिवर्तित करना में। उसके बाद नाग फुफकार रहा है, नागिन फुफकार रही है। सातवां बाघ गरज रहा है, बागिन गरज रही है। धोबी कपड़े धो रहा है, धोबिन कपड़े धो रही है। समझ में आ रहा है? नौ ग्वाला दूध ला रहा है, ग्वालिन दूध ला रही है। शेर, दसवां शब्द देखो, शेर गरज रहा है, शेरणी गरज रही है। जादूगर खेल दिखा रहा है, जादूगरणी खेल दिखा रही है। मास्टर पढ़ा रहा है, तो मास्टरनी पढ़ा रही है। समझ में आया? इस तरह से वाक्यों में प्रयोग हमें करके दिखाना है। जो भी लिंग है, पुल्लिंग है तो पुल्लिंगी शब्द, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंगी शब्द। प्रश्न क्रमांक 7, चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। यहाँ पर एक चित्र दिया है, उसमें 5 भाग अलग अलग दिए हुए हैं, पांचों से हमें एक कहानी बनानी है। देखो कहानी किस तरह से बनी है। एक जंगल था, उसमें एक तालाब के किनारे कौवा, हिरन, चूहा और कछुआ, ये 4 मित्र रहते थे। इन एक दिन हिरन घूमते घूमते शिकारी के जाल में फंस गया। कौवा, चूहा और कछुआ कहीं दूर चले गए थे। उसने मित्रों को आवाज दी, पर वहां कोई नहीं था। कुछ समय बाद कौवा आया, उसने हिरन को जाल में फंसा हुआ देखा तो बहुत दुखी हुआ। उसने हिरन से कहा, मित्र चिंता न करो, मैं अभी तुम्हें जाल से मुक्त कराता हूँ। वह उड़ता हुआ चूहे के पास पहुंचा और बोला, चूहा भाई जल्दी चलो, अपने मित्र हिरन शिकारी के जाल में फंस गया है। जाल काटकर उसे तुम ही मुक्त करा सकते हो। ऐसा करो कि तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, हम जल्दी जल्दी पहुंच जाएंगे। कछुए ने कहा, कौवा ठीक कहता है, तुम दोनों जल्दी जाओ, मैं भी बाद में आता हूँ। कौवा चूहे के अपनी पीठ पर बिठाकर ले गया। चूहे ने धीरे धीरे जाल काट डाला। कौवे ने दूर से शिकारी को आते हुए देखा। उसने हिरन को सावधान किया। हिरन जाल से निकलकर भागा। चूहा पास की झाड़ी में छिप गया। तब तक कछुआ वहां पहुंच चुका था, शिकारी के पास थैली थी। हिरन को न पाकर गुस्से में उसने कछुए को पकड़कर थैली में ले जाना चाहा, लेकिन तब तक कछुआ तालाब में सरक गया। शिकारी हाथ मलता रह गया। इस तरह कौवा, हिरन, चूहा और कछुआ चारों ने मित्रता निभाई। या पद्धति ने ही कहानीचं वर्णन करायचं आहे, ठीक आहे।